मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए आज से उड़ानें शुरू हो गई हैं। पीएम श्री वायु सेवा पर्यटन सेवा नाम से शुरू की गई इस योजना से भोपाल से सिंगरौली और रीवा को भी जोड़ा गया है। इस सेवा का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और इमरजेंसी सेवाओं के लिए एयरक्राफ्ट का उपयोग करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इस योजना का भोपाल से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, मगर विपक्षी दल इस सेवा के महंगे किराए पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आप भोपाल से कितने किराए और कितने समय में रीवा, जबलपुर, उज्जैन और सिंगरौली पहुंच पाते हैं। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ आज से हो गया है। पहले चरण में जबलपुर, भोपाल, रीवा और सिंगरौली के बीच उड़ान भरी गई। आसान शब्दों में अगर इस हवाई सेवा का मकसद समझे तो दुनिया भर के टूरिस्ट एमपी के टूरिज्म पॉइंट से आसानी से जुड़ सके, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं में एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा सके। इस महीने बुकिंग करवाने पर 50% की छूट दी जा रही है। मसलन इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3,000 रुपए के करीब है, जो छूट मिलने के बाद मात्र 1,500 रुपए होगा। 2 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा। लेकिन पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शुरू होते ही इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भोपाल से सिंगरौली तक का किराया दुबई की फ्लाइट से भी ज्यादा है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि भोपाल से, इंदौर से, दिल्ली से दुबई का किराया कम है और यदि हम भोपाल से सिंगरौली जाएं तो उसका किराया उससे ज्यादा है। इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कमलनाथ अक्सर दुबई जाते रहते हैं और क्योंकि कमलनाथ के सज्जन सिंह वर्मा बेहद करीबी हैं, इसीलिए उन्हें दुबई का ही किराया ज्यादा पता है। अब ये तो दुबई के किराए तो इन्हीं को मालूम होंगे ना, कांग्रेस के नेताओं को, विदेशों के, दुबई के पर्यटन पे रहते हैं ना ये लोग, तो इनको पता रहते हैं। कमलनाथ जी ज्यादातर समय दुबई रहते हैं तो सज्जन वर्मा जी उनके खास समर्थक हैं। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आम बात है, लेकिन आपके लिए इसमें क्या खास है वो जानिए। एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जाकर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है। और लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। अब आपको बताते हैं कि भोपाल से इंदौर या फिर इंदौर से जबलपुर जाने के लिए आपको अपनी जेब से कितने रुपए चुकाने होंगे। भोपाल से इंदौर जाने के लिए 2,062 रुपए देने होंगे। भोपाल से जबलपुर जाने के लिए 4,162 रुपए देने होंगे। वहीं भोपाल से रीवा जाने के लिए 5,737 रुपए, इंदौर से रीवा के लिए 4,500 रुपए, इंदौर से जबलपुर के लिए 4,875 रुपए, रीवा से भोपाल के लिए 3,600 रुपए, रीवा से इंदौर के लिए 4,837 रुपए, रीवा से जबलपुर के लिए 2,625 रुपए, वहीं जबलपुर से इंदौर के लिए 3,262 रुपए, जबलपुर से रीवा के लिए 2,625 रुपए, वहीं जबलपुर से भोपाल के लिए 3,375 रुपए देने होंगे। भोपाल से जबलपुर का सफर महज 1.5 घंटे में पूरा होगा। वहीं रीवा से जबलपुर आने जाने के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। वहीं रीवा से सिंगरौली या सिंगरौली से रीवा का सफर 30 मिनट में पूरा होगा। 1 महीने बाद इसका रिव्यू भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि भोपाल से सिंगरौली तक का किराया दुबई की फ्लाइट से भी ज्यादा है। तो वहीं भाजपा का इसमें कहना है कि कमलनाथ अक्सर दुबई जाते रहते हैं, इसीलिए सज्जन सिंह वर्मा को दुबई का किराया ज्यादा मालूम है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के बहुत ही करीबी और खास हैं। लेकिन राजनीति से इतर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के किराए के बारे में अगर बात करूँ तो इस समय इसके किराए में 50% तक की छूट भी दी जा रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसी एयरक्राफ्ट सेवा पहले भी चली है, मगर यात्रियों की कमी और फिर बहुत महंगे किराए के कारण कुछ दिन बाद ही वो दम तोड़ देती हैं।
इस विमान सेवा के लिए भी शुरुआती महीने में राज्य सरकार अपनी तरफ से आधी सीटों का किराया दे रही है या ये कहें कि 50% छूट दे रही है। मगर आने वाले दिनों में यात्रियों के ट्रैफिक नहीं मिलने से इन विमानों का उड़ना कठिन होगा। किसी एयरक्राफ्ट एजेंसी को फायदा पहुंचाना ही ऐसी योजना का मकसद न हो सरकार ये इसका भी ध्यान रखें।